लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। नवी मुंबई में जानलेवा बने कोरोना की भरमार है, इसके बावजूद लॉकडाउन निर्देशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। टीवी वन इंडिया ने आज शहर के कई इलाकों का दौरा किया, जहां लोग लॉकडाउन की पाबंदियों को दरकिनार करते दिखे। पाबंदी के बावजूद डिपार्टमेंटल स्टोर्स के पास भीड़ का आलम नजर आया। सबसे अधिक लापरवाही नवी मुंबई के डीमार्ट स्टोर पर दिखी, जहां 5 की बजाय सैकड़ों लोगों की भीड़ उमड़ रही है। सवाल यह है कि अगर कोरोना गाइडलाइंस का इसी तरह पालन कराना है तो फिर छोटी दुकानों को खोलने में भला हर्ज क्या है। नवी मुंबई में कोरोना इस तरह कोहराम मचा रहा है कि मरीजों को हॉस्पिटल में बेड और वेंटिलेटर नहीं मिल रहे हैं। कईयों लोग रोजाना जान गंवा रहे हैं, फिर भी नागरिक कोरोना संक्रमण सुरक्षा को लेकर लापरवाह हैं। नियम निर्देशों का उल्लंघन सबसे अधिक नवी मुंबई के बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर दिख रहा है, जहां 5 की बजाय सैकड़ों लोग एक साथ जमा हो रहे हैं। ताज्जुब इस बात का है कि इसकी मॉनिटरिंग के लिए बनाया गया मनपा का उड़नदस्ता भी नदारद दिख रहा है, जिन्हें बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर नजर नहीं आते। सवाल यह है कि यदि बड़े स्टोर्स और मॉल्स पर मेहरबानी हो रही है तो फिर छोटी दुकानें जिन पर छोटे परिवार जिंदा हैं, उन पर सख्ती भला क्यों? यकीन नहीं आता तो यह नजारा जरा गौर से देख लीजिए। डिपार्टमेंटल स्टोर की तरह नवी मुंबई की एपीएमसी भी अब कोरोना का बड़ा हॉटस्पॉट बनने की राह पर है, जहां गाइडलाइंस को दरकिनार कर काम हो रहा है। उम्मीद है कि महानगर पालिका प्रशासन और पुलिस कोरोना बम फोड़ने की तैयारी में जुटी ऐसी भीड़ पर निगरानी बढ़ाएंगे और सुरक्षा और संक्रमण निर्देशों की अवहेलना करने वालों पर नकेल कसेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।